चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गिरिडीह जिले के बदगुंदा खुर्द पंचायत के लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्रीमती चुंडकी देवी जी और उनके पति सह मुखिया प्रतिनिधि श्री फूलचंद बास्के जी। बदगुंदा खुर्द जो है वो गिरिडीह सदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला एक सुंदर सा पंचायत है। आज के इस विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम में बात करेंगे इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों ने पिछले 5 वर्षों से लगभग इस पंचायत की आम जनता के लिए कौन कौन से काम किए हैं जिससे यहाँ की जनता लाभान्वित हुई है। इनकी कर्मठता के विषय में, इनकी कार्यशैली और कार्यप्रणाली के विषय में बात करेंगे इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों से। तो आइए इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों से जो कि बदगुंदा खुर्द के मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि हैं बात करते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। फूलचंद जी, हाँ। आप एक मुखिया प्रतिनिधि हैं, पिछले 5 वर्षों से आप बदगुंदा खुर्द पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपने अपने नेतृत्व में इस पंचायत की आम जनता के लिए पिछले लगभग 5 वर्षों में कौन कौन सा काम किया है जिससे यहाँ की जनता को फायदा हुआ है? काम हुआ है, शौचालय हुआ है, मतलब एक डेढ़ लगभग 1500 लगभग शौचालय, लगभग 1500 शौचालय हुआ है जी। और बोलिए। और इधर आवास तो होगा 200 लगभग, 200 आवास दिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो 200 के आसपास आवास और लगभग 1500 शौचालय आवंटित किए गए हैं इनके नेतृत्व में बदगुंदा खुर्द पंचायत की आम जनता के बीच। धन्यवाद। आप इस पंचायत की लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया हैं, एक महिला होने के नाते आप मुखिया हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि महिला होने के नाते आपने अपने पंचायत की महिलाओं के उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए क्या किया? शौचालय बनवाया। क्या सोच के आपने सबसे पहले शौचालय बनवाया? यूज करने के लिए। जी, आपने महिला होकर सबसे पहले ये सोचा कि जो पंचायत की महिलाएं हैं उनके घर घर में शौचालय होना चाहिए। और महिलाओं के साथ आपका संबंध कैसा है, पंचायत की जो महिलाएं हैं? अच्छा है, ठीक। पंचायत की महिलाओं के साथ आपका संबंध अच्छा है, सामंजस्य अच्छा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तालमेल अच्छा है, आप उनसे मिलते जुलते रहती हैं और उनकी सुख दुख में आप हमेशा खड़ी रहती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, किसी भी पंचायत की आम जनता के जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है जैसे पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप हमारे देश भर के जनता के सामने अपने बदगुंदा खुर्द पंचायत के आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति को हम सभी के सामने रखें। जो कुछ आपने किया है इन क्षेत्रों में उनको आप रखें। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पंचायत बदगुंदा खुर्द में पानी की क्या व्यवस्था है? पानी व्यवस्था कुछ कर दी है, कुछ बाकी है। क्या किया आपने पानी के लिए? पानी किए, अगला बार 12 चापाकल दिए, अभी फिर 12 दिए। पिछला कार्यकाल में 12 चापाकल दिया, इस कार्यकाल में आपने 12 और दिए हैं। जल मीनार लगवाया है क्या? जल मीनार लगवाया है। कुल कितना जल मीनार आपने लगवाया? मैं अपना लगाया 2, बाकी लगा है पीएचडी से। पीएचडी से भी लगा है और आपने स्वयं भी लगवाया है, तो कुल मिला के आपने पानी के क्षेत्र में अच्छा काम किया। आप ये बताइए कि आपके पंचायत में सड़कों की स्थिति कैसी है, क्या काम किया है? बड़ा काम नहीं हुआ है, छोटा छोटा काम किया आपने? रोड पीसीसी हुआ, थोड़ा सा पीसीसी हुआ है, पैवर ब्लॉक हुआ है क्या? हाँ, कितने गांव में किया आपने काम? आठ मौजा में आपने पैवर ब्लॉक लगवाया। आप ये बताइए मुखिया जी कि आपके पंचायत में जो बिजली की व्यवस्था है वो कैसी है? बिजली ठीक,
ठीक है, कितना घंटा बिजली मिल जाता है? बिजली तो मिलता है पर कभी कभी नहीं रहता है ढंग से। अच्छा ठीक है, आपने अपने पंचायत के गांवों और वार्डों की चौक चौराहों और गलियों पर स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट जैसी सुविधा दी है क्या? हाँ दिए हैं। कितनी संख्या में? 300 आपने दिया है। मुखिया जी आप ये बताइए कि आपके बदगुंदा खुर्द पंचायत में कुल कितने सरकारी विद्यालय संचालित हैं? बारह बहुत ही ज्यादा संख्या में है। अच्छा ये बताइए कि कुल कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं? आंगनबाड़ी है अपने से बढ़ाए 5 और पहले का है 5 दिन 8 हो गया, तो 12 सरकारी विद्यालय 8 आंगनबाड़ी केंद्र। तो इन सारे शिक्षण संस्थानों में आपने क्या शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, हैंड वॉश यूनिट जैसी सुविधा दिया है? शौचालय की व्यवस्था है? शौचालय में व्यवस्था है, हैंड वॉश है? नहीं है, कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि एक मुखिया के रूप में आपका आपके पंचायत में संचालित सभी जो शिक्षण संस्थान हैं, उनमें पढ़ाने वाले अध्यापक, पढ़ने वाले विद्यार्थी और जो अभिभावक गण है, उन सभी के साथ आपका सामंजस्य कैसा है, आपका तालमेल कैसा है, आपका कोऑर्डिनेशन कैसा है? तालमेल ठीक अच्छा है। आप क्या करते हैं बीच बीच में? लोगों से मिलते हैं, घूमते हैं, टीचर से मिलते हैं, बातचीत करते हैं? हाँ, कभी करते हैं। पढ़ाई लिखाई का क्या कंडीशन है आपकी? ठीक है, एक दो स्कूल में काम बिजी रहता है, नहीं तो सब ठीक है, सब ठीक ठाक है। ये बताइए कि आपके पंचायत बदगुंदा खुर्द में कोई स्वास्थ्य संबंधित सुविधा है, उप स्वास्थ्य केंद्र जैसी सुविधा है? तो नहीं बना नहीं है। जब लोग बीमार पड़ते हैं कहाँ जाते हैं? दिल्ली जाते हैं। आपने कभी ये पहल नहीं किया कि आपके पंचायत में कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? सोचे है, मगर अभी नहीं किया, अभी नहीं हो पाया। ये थे फूलचंद बास्के जी, लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया प्रतिनिधि बदगुंदा खुर्द पंचायत गिरिडीह सदर प्रखंड। अपने पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं में जो इन्होंने काम किया है, उन कार्यों को हम सभी के सामने विस्तार से रख रहे थे। धन्यवाद। हर पल मस्ती और रंगीन विरसत मौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग सत मौला नमकीन। डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन हाँ सत मौला नमकीन। सत मौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग हाँ सत मौला नमकीन। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी के दौरान आपने अपने बदगुंदा पंचायत में एक मुखिया प्रतिनिधि के रूप में कौन कौन सा काम किया है जिससे आपके पंचायत की आम जनता को फायदा हुआ, लाभ पहुंचा? लाभ पहुंचा, सवाल बटे उसको रखे, बढ़िया स्कूल में रखे हैं, बाहर रखे हैं। बाहर से जो मजदूर आपके गांव में वापस लौटे, आपके पंचायत में वापस लौटे, आपने उनको क्वारंटाइन किया, उनके उनका कोविड टेस्ट करवाया? क्या आपके पंचायत में कोई कोरोना पॉजिटिव का केस हुआ था? नहीं हुआ था। आपने अभी कहा कि आपने अपने पंचायत के मजदूरों के बीच, आम लोगों के बीच, गरीबों के बीच महामारी के दौरान चावल बांटा है ना, मास्क और सैनिटाइजर जैसी चीजों को भी बांटा? वो भी बांटा आपने। कितनी संख्या में? 1000 लोगों के बीच आपने मास्क और सैनिटाइजर अपने पंचायत में महामारी के दौरान बांटा। तो आप सुन रहे थे श्री फूलचंद बास्के जी को, जो बता रहे थे कोरोना महामारी के दौरान अपने द्वारा बदगुंदा खुर्द पंचायत की आम जनता के बीच किए गए राहत कार्यों के विषय में। और निश्चित रूप से इन्होंने एक अच्छे और सच्चे मुखिया के रूप में अपने पंचायत में विपरीत समय में काम करते हुए बिताया, लोगों के बीच बिताया। धन्यवाद जी। आप आने वाले समय में जब पंचायत का चुनाव होगा तो बदगुंदा खुर्द की जनता के सामने एक बार फिर से मुखिया प्रत्याशी के रूप में आप खड़े होंगे? आप जीत के प्रति अगर आपसे पूछा जाए कि कितना प्रतिशत लगता है कि आप जीत जाएंगे तो क्या कहेंगे आप? 100% क्यों लगता है सर? ऐसा मेरा लगाव है, दोस्ती है, सब है मेरा। लगाव है, दोस्ती है, सब है, सब है। किससे दोस्ती? किससे है? जनता से। जनता से आप दोस्ती कर लिए हैं? मुखिया जी जनता के मुखिया नहीं है, मुखिया जी दोस्त हैं जनता के,
और मित्रता पूर्ण रवैया है इनका अपने पंचायत के सभी लोगों के साथ, और ये जो मैत्रीपूर्ण रवैया है इसी वजह से मुखिया जी आश्वस्त हैं 100% अपने जीत के प्रति। उम्मीद करते हैं कि जो इनका मैत्रीपूर्ण संबंध इस पंचायत की आम जनता के साथ है, ये संबंध ही इनको एक बार फिर से इस पंचायत में जीत दिलवाएगी और जीत का हैट्रिक होगा। मुखिया जी को हमारी शुभकामनाएं। गिरिडीह जिले के गिरिडीह सदर प्रखंड अंतर्गत बदगुंदा खुर्द पंचायत में हूं और इस पंचायत के बहुत सारे लोग यहां पर खड़े हैं। हमारे साथ एक युवा है, इनकी कुछ मांग है, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? गिरिधारी प्रसाद यादव। गिरिधारी जी, आपकी क्या मांग है? हमारा यही मांग है सरकार से और मुखिया जी के मैंने माध्यम से कि इस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो होता है अगर किसी प्रकार का कोई बीमारी होता है तो मतलब गिरिडीह का मैंने रास्ता देखना पड़ता है। इससे लोगों को थोड़ा परेशानी होता है, दूर जाने में मतलब कभी कभार को घटना हो जाता है। इसलिए सरकार से मांग है कि कम से कम इनके माध्यम से, मुखिया जी के माध्यम से, कि स्वास्थ्य केंद्र हमारा पंचायत में बहुत जरूरी है। और दूसरा है कि हर विद्यालय में एक चार दीवारी और आपका मतलब हैंड वॉश बच्चों के लिए, ये बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा मांग है आपका, बहुत ही जागरूक आप हैं इसलिए आपकी मांग भी अच्छी है। इनका कहना था कि पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र कम से कम जरूर हो, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो बीमार जब पड़े उनके साथ जब आपातकालीन स्थिति हो, जब इमरजेंसी का कंडीशन हो, तो उन्हें परेशान ना होना पड़े, इलाज के लिए उन्हें दूर जाना ना पड़े। अपने पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र की मांग करते हैं गिरधारी जी। और साथ ही साथ इनका कहना है कि इस पंचायत में जितने भी सरकारी विद्यालय संचालित है उन सभी विद्यालयों में एक चार दीवारी हो, साथ ही सभी विद्यालयों में हैंड वॉश यूनिट की सुविधा हो, ताकि बच्चों को शुद्ध पेयजल मिल सके। उम्मीद करते हैं कि इस पंचायत के मुखिया जो हैं और प्रतिनिधि जो हैं वो इनके मांगों पर गंभीरता से विचार करेंगे और संबंधित विभाग में आवेदन भी देंगे और आने वाले समय में जल्द ही शीघ्र ही इस पंचायत में इनके दोनों मांगों को माना जाएगा और सौगात मिलेगा। आने वाले समय में इस पंचायत की जो जनता है वो इन दोनों मांगों से लाभान्वित होगी। मधुगुंदा खुर्द पंचायत की लोकप्रिय और कर्मठ मुखिया श्रीमती चुड़की देवी जी हमारे साथ यहाँ खड़ी हैं, और इनके पति और इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि श्री फूलचंद बास्के जी भी यहाँ पर खड़े हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पंचायत के अलग अलग गांवों और वार्डों के कुछ ग्रामीण, युवा, वृद्ध, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि ये क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पंचायत के विषय में और यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के विषय में। आपका क्या नाम हुआ श्रीमान? गिरिधारी प्रसाद यादव। आपका क्या नाम हुआ? गिरिधारी प्रसाद यादव। गिरिधारी जी, आप ये बताइए कि पंचायत का नाम क्या है? मुखिया जी का नाम क्या है? प्रतिनिधि महोदय का नाम बताइए। कैसा काम करते हैं ये दोनों? काम अच्छे कर रहे हैं। कौन कौन सा काम इनका आपको अच्छा लगता है? देखिए, जैसे अभी फिलहाल जो सरकार की ओर से जो शौचालय का था इन्होंने अच्छे ढंग से किया, बाकी अभी जो नरेगा का चल रहा है उसमें भी अच्छे काम करवा रहे हैं, और अभी आपका आवास जो चल रहा है उसमें भी ठीक ठाक से वो कर रहा है। शौचालय, नरेगा, आवास, ये कुछ ऐसे काम है जो इन्हें बहुत पसंद है मुखिया जी के द्वारा जो हो रहा है काम। हमारे साथ एक यहाँ शिक्षित युवा खड़े हैं, एक बहुत ही अच्छे शिक्षित युवा है, बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप जी, आप ये बताइए कि आपकी शिक्षा कितनी है? बीटेक। पंचायत के आप निवासी हैं, मुखिया जी का काम कैसा लगता है? जी, मैं तो ज्यादा देखा ना, क्योंकि मैं रहता नहीं हूँ, बाहर में ही रहता हूँ। आपने लोगों से सुना होगा? हाँ, अच्छा काम है। अच्छा काम है। आने वाले समय में आप अगर चुनाव हो तो क्या आप जो अभी वर्तमान दो जनप्रतिनिधि इस पंचायत का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या आप चाहेंगे कि फिर से इन्हीं का नेतृत्व पंचायत को मिलता रहे? क्या वजह है इसकी? वजह तो सर एक्चुअली क्या है कि काम कर रहे हैं तो ये है, काम कर रहे हैं दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधि, पंचायत के लोगों का काम हो रहा है, पंचायत का काम हो रहा है, पंचायत में विकास हो रहा है, और यही वजह है कि इस पंचायत के सभी लोगों का कहना है कि जो मुखिया यहाँ की है चुनकी देवी जी और उनके जो पति और प्रतिनिधि हैं फूलचंद जी, वो दोनों बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए आने वाले समय में जब भी चुनाव होगा तो एक बार फिर से यहाँ की जनता इन दोनों को ही इस पंचायत का नेतृत्व का जिम्मा देने की तैयारी में है। धन्यवाद।